सर आज जयपुर के अंदर जो एचपी का पंप है सीएनजी की शुरुआत की है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जिंद जिले का एचपीसीएल का पहला मदर स्टेशन है, जहाँ पे हम यहाँ से अभी तक ये ऑनलाइन पहला ऑनलाइन स्टेशन है जिंद जिले का। अब तक जो समस्या आती थी वो सीएनजी की गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी भरने के लिए रोहतक और वहाँ से भर के आती थी। इस बीच में कई बार पंपों पे सीएनजी के ड्राई की स्थिति रहती थी, उसका समाधान के लिए पूरे जिंद जिले के लिए हमने यहाँ पे एक मदर स्टेशन लगाया है, जो अब यहीं से सारी गाड़ियाँ भरा करेंगी। पूरे जिंद जिले के लिए यहीं से सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और ये ऑनलाइन स्टेशन होने के कारण इसके दो फायदे मिलेंगे। एक तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप की समस्या खत्म हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे 24 घंटे सीएनजी उपलब्ध रहेगा, जो और कहीं उपलब्ध नहीं रहेगा। जी, तो रेट को लेकर क्या कुछ फर्क रहने वाला है? सेम रहेगा रेट? ये पूरे जिले का निर्धारण एक साथ ही होता है, तो जो रेट है वो सब जगह रेट सेम रहेगा। जी, तो अब जो जिस तरह से हम देख रहे काफ़ी समस्या लाइनें लगती थी सीएनजी के लिए, क्या एचपी की क्या प्राथमिकता रहेगी? एचपी की प्राथमिकता जिन जिले को लेके है कि हमने यहाँ पे काफ़ी मदर स्टेशन काफ़ी सीएनजी स्टेशन जुड़े हैं, और इस साल भी हम करीब 7 से 8 सीएनजी स्टेशन इस पर यहाँ पे हम जिंद जिले में जोड़ने वाले हैं। तो जो लाइन लगने वाली समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, और मुझे लगता है कि इस साल के अंत होते होते तक तो खत्म हो जाएगी। सर, किट को लेकर बात आती है, कहते हैं कि कंपनी की जो किट होती है वो फायदेमंद होती है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे किट को लेकर? कौन सी किट लोग लगवाएंगे? किट से संबंधित जानकारी, मतलब उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। मतलब ये जो गाड़ी की टेक्निकलिटी से संबंधित जानकारी हमारे पास नहीं है जी। हमारे पास केवल सीएनजी स्टेशन से रिलेटेड जानकारी। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो सीएनजी की शुरुआत है जयपुर गांव में हुई है, और आप कहाँ से पा रहे हैं भैया? पहले एचपीसीएल से लेके आते थे सीएनजी बड़ी से, और क्या नाम है, अब ये फिलिंग स्टेशन होने पर बालाजी पे ये बहुत सुविधा हो गई है। जिन में जो 8-10 रेलवे स्टेशन इसमें से बहुत सी सुविधा हो गई है, क्योंकि 1 दिसंबर से पड़ी से लेके आते थे हम जिनके लिए कोई पंप ड्राइव रहता था, कोई गाड़ियों में लाइन में लगी रहते थे, और उसके लिए अच्छी फैसिलिटी हो गई है। ऑनलाइन प्रेशर है, पूरा प्रेशर रहेगा यहाँ पे, 24 घंटे गैस अवेलेबल रहेगा। अभी कौन से पंप के लिए गाड़ी भरी आप? हमें एक अग्रवाल के लिए गाड़ी भर के ताबी आए, और दोबारा से ये गाड़ी और भरेंगे, वो पता नहीं कौन से पंप को जाएगी। आप कहाँ से आए गाड़ी लेकर? मैं सोनी बस से गाड़ी चलती थी हमारी भी पहले, अब पर यहीं से चली गई गाड़ी। अब कहाँ के लिए ले जा रहे हैं सीएनजी? अभी ये तो ये जिंद के लिए जाएगी सीएनजी तो, पर ये नहीं पता जिंद में कौन सी पंप पर जाएगी। आपकी गाड़ी कौन सी है, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सोनीपत से बड़ी प्लांट से आया हूँ। गाड़ी अभी बालाजी पंप से भरेंगे 3 सफेद रोड से, और जींद में ही। कितना फायदा आप मानते हैं? फायदा तो इतना, पब्लिक का लाइन नहीं लगेगी, और पंप भी ड्राई हो जाएगा था बड़ी से लेकर आते थे। रास्ते में चाय पीने का भी टाइम बिल्कुल ही कम मिला करता, क्यों उधर से फोन आ जाए था आई नहीं गाड़ी से आई नहीं, पब्लिक भी परेशान नहीं होगी, यहाँ बहुत सी सुविधा है। और जैसे ही सीएनजी का यहाँ पर गाड़ी वालों को पता चला, गाड़ी वाले यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके, कहाँ से पहुँचे भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सीएनजी है जो हरिगढ़ गांव से पहुँचे भाई साहब, ऑनलाइन सीएनजी है ये, ऑनलाइन सीएनजी है भाई साहब ये, बहुत अच्छी सुविधा। नहीं था हमें तो पानीपत भागना पड़ेगा 40 किलोमीटर। अब बताया जा रहा है यहाँ 24 घंटे सीएनजी मिलेगी? हाँ, 24 घंटे सीएनजी मिलेगी भाई हमको, बहुत अच्छी सुविधा नहीं दी है भाई। देखो पहली गाड़ी अपनी लग गई सीएनजी भरी जाएगी। क्योंकि आपका पंप जिले का पहला पंप है, और आप सीएनजी की शुरुआत वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने यहाँ पर एचपीसीएल की तरफ से बहुत ही हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पर सीएनजी ऑनलाइन करवाई है, और इसलिए हम सबसे यही कहेंगे कि किसी को किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं महसूस होने दें। जो भी गाड़ी आएगी उसको फुल सर्विस मिलेगी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और सीएनजी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी? बिल्कुल 24 घंटे रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही। सीएनजी को लेकर कोई परेशानी नहीं आ रही।